डेंगू का बहुत फर्क होगा। खास करके ये मशीन जो है डेंगू को जड़ से मारने के लिए, इसका लार्वा को समाप्त करने के लिए अब तीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। गया नगर निगम शहर को प्रदूषण मुक्त और वहीं मच्छरों से बचाने के लिए एक कोल्ड फोगर मशीन की शुरुआत की गई है। आपको बता दूं कि वो मशीन काफ़ी यूनिक है और वहीं वहां पर मौजूद गया के मेयर और गया के आयुक्त नगर निगम का क्या कुछ कहना है, आप उनकी बातों को सुनिए। आज गया नगर निगम के द्वारा कोल्ड फॉगर का जो तय किया गया था उसका उद्घाटन किया गया है। यह एक यूनिक मशीन है जिसे कोल्ड फॉगर भी कहते हैं, थर्मल फॉगर। ये पहले हम देखते थे कि डीजल में केमिकल मिलाकर फॉगिंग किया जाता है, इससे थोड़ा पॉल्यूशन का भी डर फैलता है, जो लंग्स के लिए या फेफड़ों के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है। यह पानी में केमिकल मिलाकर इससे फॉगिंग किया जाएगा, जिससे प्रदूषण पर भी बहुत रोकथाम होगी और साथ ही साथ डेंगू की भी लड़ाई की जाएगी। इसमें आपको स्प्रे भी मिला है, इसमें एंटी लार्वा जो हम डालते हैं कि जहाँ पे फ्रेश वाटर था या फिर अच्छे पानी का जो जल जमा होता है उसमें ही डेंगू का जो अंडा है और कीड़ा है तो जन्म लेता है मच्छर, तो उसको भी हम स्प्रे कर सकते हैं इससे। मतलब ये 3-in-1 है, आप इसे डीजल में भी आप केमिकल मिलाकर वो वाला स्प्रे कर सकते हैं, पानी से मिलाकर भी अब एंटी लार्वा स्प्रे भी होगा। तीनों चीज़ हाईटेक तरीके से इससे है। मेजर है कि गया जो हमारा गया नगर निगम क्षेत्र है ये एनकैप के प्रोग्राम में आता है, जो भारत सरकार का प्रोग्राम है पॉल्यूशन मुक्त बनाने के लिए। गया को चुना गया है बिहार में, जैसे पटना गया और मुजफ्फरपुर, तो उसी के उद्देश्य से भी हमने देखा है कि जिससे कि हम कोल्ड फॉगिंग करा रहे हैं। नॉर्मल फॉगिंग मशीन से मच्छर तो मरता है लेकिन उसका स्वास्थ्य पर थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये कोल्ड फॉगर का क्रय किया गया है जिससे दोनों ही चीज़ हो सके। साथ ही साथ 70 टेम्पू का भी क्रय किया गया, वह भी मुझे लगता है कि 3 पहिया नगर निकाय में पहली बार CNG का टेम्पू लिया गया है। ये भी हमारा एक पहल है पॉल्यूशन को रोकने के लिए, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। अभी इस प्रोग्राम के तहत हमारे कई योजनाएं आई हैं, ये हमारा पहला पहल है कि जो हमारा 3 पहिया वाहन जैसे कि बैन हो गया है डीजल गया शहर में, तो हमने CNG लिया है ताकि गलियों में जाकर भी सफाई हो सके और साथ ही साथ प्रदूषण भी ना हो, तो इस चीज़ पर ध्यान रखकर हमने ये टेम्पू करके और मच्छर पर काबू पाना। लेकिन अभी तक जो टेक्निक था और जनरल टेक्निक था गया नगर निगम क्षेत्रों में, वो रोड पर चलता था साइड वाले या रोड के बीच में या साइड में धुआं केवल उड़ता था। ये हाईटेक टेक्निक लाया गया है नगर निगम में, सभी लोग मिलकर इस पर विचार किए नगर निगम द्वारा। इकट्ठे फॉगिंग भी करेगा और ये गाड़ी स्प्रे भी करेगा, यानी अगर उसमें पाइप भी लगेगा, वो जो फॉगिंग है उसमें भी पाइप आगे में रखा हुआ है, अगर नाली में हम फॉग कर दिए हम लोग ले जाके तो अंदर का जितना मच्छर वगैरह है वो सब मरेगा। दूसरा, इससे स्प्रे जो है पेड़ पर भी जा रहा, हाइट 50 फीट से ऊपर जा रहा है इसका, तो स्प्रे करेंगे या नोजल से इससे जाएगा और नाली में अगर इसमें लार्वा डाल करके केमिकल चाहे बीटे हो या फॉगिंग हो या जो भी केमिकल इससे रिलेटेड हो जिस चीज़ को भी मारना, तो एक तो ये मरेगा, रोड पर मरेगा, कीटाणु मरेगा, मच्छर मरेगा और ओवरऑल ये सब तरह से बिल्कुल सही है। आज डेंगू की पर भी निकाली गई, यही देखिए विपक्ष मेला में लोग अस्त व्यस्त है। 10-15 दिन के अंदर जितने संसाधन जुटाए गए हैं, सालों भर यहाँ के नागरिकों को, सम्मानित लोगों को सुविधा दी जाएगी, चाहे सफाई का हो, फॉगिंग का हो। और जब हम लोग कोविड आया था तो हम लोग कोविड से लड़ाई के लिए रोड पर थे, पूरा नगर निगम के सब जोधा लोग, चाहे नगर आयुक्त हो, मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, पार्षदगण हो, कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, सफाई कर्मी हो, पार्ट अलग अलग है लेकिन काम सबका एक है, निगम एक परिवार। अब हम लोग सुन रहे हैं पिछले कई दिनों से कि डेंगू का बहुत फर्क होगा, खास करके ये मशीन जो है डेंगू को जड़ से मारने के लिए, इसका लार्वा को समाप्त करने के लिए। अब 3-4 तल्ला पर बाथरूम पर रह रहा था डेंगू भाई, अभी डेंगू भाई हम लोग नीचे फॉगिंग करते थे मर नहीं पा रहे थे, अब ये 4-5 तल्ला पर धुआं भी पहुंचाएगा और 5वां तल्ला में बाथरूम में जो भाई लोग बोलेंगे उसमें स्प्रे भी करा दे इसी गाड़ी से। अब डेंगू का भी खैर नहीं, और कल से हम लोग फॉगिंग और ये मशीन के साथ आज ट्रायल हो रहा है, कोशिश करेंगे कि शहर के कुछ प्रमुख भागों में जैसे बागेश्वरी में, पाल्ला में रोड में डेंगू का प्रकोप हो गया, वहाँ जा करके घर घर में इसे कर रहे हैं हम लोग विपक्ष में, चाहे वो नगर आयुक्त हो, चाहे मेयर साहब हो, निगम के लोग हों, पार्षदगण हो, व्यस्त थे चूँकि अतिथि आए हुए थे। अब उनको हम लोग सेवा लगभग 4-5 दिन और बचा हुआ है,
अब हम लोग पूरी सेंट्रलाइज दिमाग लगा देंगे नगर निगम और जनता के सेवा के लिए, और इसकी कल से विस्तार से हम लोग सेवा का प्रयास करेंगे और कल से आम लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन से गया शहर में डेंगू का प्रकोप काफी बढ़ गया था, जिसकी वजह से हम लोग ने ये निर्णय लिया कि एक फाइबर मशीन शहर के लिए लेना, तो यूनिक फाइबर मशीन आया है जिसमें जो प्ले पर ये जाकर पॉइंट कर सकता है, इंशाल्लाह मकान पर भी पॉइंट कर सकता है। इसमें हम लोग का कोरोना काल आया था, इस समय ये अत्याधुनिक मशीन नहीं था, फिर भी नगर निगम ने बहुत प्रयास किया, जिसमें हमारे नगर आयुक्त महोदय, डिप्टी मेयर साहब, पार्षद, सभी लोग रोड पर निकल के इस कोरोना महामारी में सब जनता को मदद करने के लिए हम तत्पर थे। मुझे मीडिया बंधु का भी बहुत बड़ा योगदान मिला था, इनके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये नया टेक्निकल फॉगर मशीन आया है, जिसमें हमें शहर में डेंगू का प्रकोप है, उसको हम लोग हद तक उसका प्रयोग करके उसे खत्म करने का प्रयास करेंगे। और पितरपक्ष मेले पर इतनी अच्छी व्यवस्था गया नगर निगम के द्वारा किया गया है, जिसमें हमारे नगर आयुक्त महोदया, डिप्टी मेयर साहब, पूर्व डिप्टी मेयर साहब, पार्षदगण का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, नगर निगम कर्मचारियों का बहुत सहयोग मिला है। इतने कॉल आ रहे हैं हमको कि फीडबैक कितना दूर देश विदेश से जो यात्री आ रहे हैं उनके द्वारा एक अच्छा मैसेज जा रहा है और गया का नाम भी अच्छा देश विदेश में लिया जा रहा है, इसलिए मैं पूरे गया जा। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि उनका साफ तौर पर कहना है कि गया को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इस मशीन की शुरुआत की गई है। यह मशीन दूसरे मशीन की तरह नहीं है और इस मशीन के छिड़काव के बाद से लोगों को मच्छरों से कोई परेशानी नहीं होगी, किसी को उतना डेंगू भी नहीं होगा। बाकी इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज़ 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।